हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है मेरे घर के इंडोर प्लांट्स के कलेक्शन पर। बहुत ज़्यादा प्लांट्स नहीं है, 10-12 के करीब मेरे पास इंडोर प्लांट्स हैं। तो आज इसी वीडियो में मैं आपको वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसी के साथ में मेरे पास में होम टूर की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी होम टूर, तो मैं आपको कम्प्लीट नहीं शूट कर सकती हूँ अभी, क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा है और मेरा पूरा घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता है। तो इस तरह से मैं मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं उसे ढंग से क्लीन करके ऑर्गेनाइज़ करके उसको उसका वीडियो बना पाऊँ। लेकिन इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको अपने इंडोर प्लांट्स के कलेक्शन के साथ साथ में मैं अपने घर की एक छोटी सी झलक भी आप लोगों को दे पाऊँ। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ अपने आउटडोर प्लांट्स का कलेक्शन भी। एक छोटी सी बालकनी में मैंने कुछ प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स भी रखे हुए हैं, तो प्लीज़ आप उसे भी मिस मत कीजिएगा। ये है मेरी घर की एंट्रेंस। यहाँ पर एंट्रेंस पे मैंने रखे हुए हैं दो प्लांट्स, मनी प्लांट और स्पाइडर प्लांट। मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जो आप बिल्कुल भी किल नहीं कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है, इजी टू ग्रो है, रफ एंड टफ प्लांट होता है, कहीं कैसे भी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगता है और बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है। इसको मैंने एक फ्रॉग शेप्ड पॉट में रखा हुआ है और बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पर ये रखा हुआ। इसी के साथ ही मेरा जो दूसरा प्लांट है वो है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट इसकी क्योंकि जो लीफ होती है वो स्पाइडर के जैसी होती है, इसलिए इसको स्पाइडर कहा जाता है। ये मेरा थोड़ा सा लो हो गया है, मतलब बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसको थोड़ी सी धूप, इनडायरेक्ट धूप चाहिए होती है और मेरे इस एरिया में धूप नहीं आती है, इसलिए ये बहुत अच्छा से ग्रो नहीं कर पा रहा है। अदरवाइज ये भी बहुत सुंदर लगता है ये वाला स्पाइडर प्लांट भी। तो ये है मेरा घर का एंट्रेंस और ये मेरा घर का है फॉर एरिया। इस फॉर एरिया में मैंने रखे हुए हैं तीन प्लांट्स यहाँ पर। और यहाँ पर फाउंटेन के पास में मैंने रखा हुआ है एंथोरियम। इसमें रेड हार्ट शेप के फ्लावर आते हैं और इस टाइम पे नहीं है। ये मेरा सेकंड एंथोरियम प्लांट है, पता नहीं क्यों मेरा ये सस्टेन नहीं कर पाता है। क्रोटन, क्रोटन की बहुत कलरफुल पत्तियां होती हैं, बहुत सारी वैरायटीज में आता है मेरे पास जो है। इसमें ग्रीन और येलोइश कलर की पत्तियां हैं मेरे पास में। तीन क्रोटन है, एक मैंने इंडोर रखा हुआ है, दो मैंने अपनी बालकनी में रखे हुए हैं। जब क्रोटन को हम रिपॉट करते हैं तो इसकी पत्तियां थोड़ी सी झड़ती हैं, तो इट्स ओके, वो दोबारा वापस आ जाती हैं। और क्रोटन में थोड़ा कम पानी डालते हैं, मतलब जब ड्रायट होने लगे सोयल तब डालते हैं। और ये है मेरा फेवरेट प्लांट, ये है जीजी प्लांट। ये बहुत इजी टू मेंटेन, बहुत रफ एंड टफ टाइप का प्लांट होता है। इसकी पत्तियां बहुत शाइनी होती है, बहुत बुशी होता है और बहुत ब्यूटीफुल लगता है। बहुत ईजी टू मेंटेन है, मतलब ये भी आप किल नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने अपनी सेंटर टेबल पे रखा हुआ है स्पाइडर प्लांट। ये थोड़ा छोटे पॉट पे मैंने स्पाइडर प्लांट रखा हुआ है। यूजुअली मैं यहाँ पर सेंटर टेबल में कुछ नहीं रखती भी हूँ, लेकिन मैंने अभी फिलहाल रखा हुआ है। मेरा बेटा बहुत छेड़खानी करता है, तो इसलिए मैं सेंटर टेबल पे कुछ नहीं रखती हूँ। और फिलहाल ये बहुत खूबसूरत लग रहा है स्पाइडर प्लांट यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने अपने सोफा के कॉर्नर पे रखा हुआ है एरिका पाम प्लांट। एरिका प्लांट बहुत बड़ा होता है, बहुत बुशी होता है, तो आपका कोई भी खाली सा कॉर्नर है या कोई बोरिंग सा आपका एरिया है तो वहां पर आप एरिका पाम प्लांट रख दीजिए और वो एरिया बहुत ही लाइवली सा, बहुत ब्यूटीफुल सा हो जाता है। और ये बहुत एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, बहुत दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत अच्छा प्लांट है, मतलब इसने मेरा पूरा ये वाला एरिया अच्छे से कवर कर लिया है। और मैंने यहाँ पर अपनी डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है लकी बैम्बू प्लांट। लकी बैम्बू प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो आपको शायद हर घर में मिलेगा। जिन्हें प्लांट्स का शौक है, नहीं है, लकी बैम्बू प्लांट आपको हर घर में बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये भी बहुत अच्छा प्लांट होता है, बहुत खूबसूरत लगता है, पानी में ग्रो करता है। और ये भी जो आप वुडन की ट्रे, कॉस्टर्स और पिकल जार और पेपर एंड शॉर्ट सॉल्ट शेकर देख रहे हैं, ये मैंने अमेजन से ऑर्डर किए थे। इसका ऑलरेडी अमेजन हॉल वीडियो मेरे चैनल पर है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो ये है मेरी डाइनिंग टेबल और उस पर रखा हुआ है मैंने लकी बैम्बू प्लांट जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसी एरिया से मेरा किचन शुरू हो जाता है जहाँ मेरा बेटा है। तो ये है मेरी किचन जो व्हाइट और ग्रे कलर में है, बहुत छोटी सी किचन है। और इस किचन में भी मैंने रखा हुआ है मनी प्लांट जो मैंने एक बॉटल में रखा हुआ है, इसको मैंने पानी में ग्रो कर रखा है।
और अब आते हैं हम अपने गेस्ट बेडरूम में, जिसको मैंने स्काई ब्लू कलर की थीम दी है और मुझे वीडियो में कुछ ज्यादा ही स्काई ब्लू सा दिख रहा है सब कुछ। ये काफी छोटा रूम है और इसके बेड साइड टेबल पे मैंने रखी हुई है ट्रे, जहाँ पर है कुछ स्काई ब्लू कलर के कुछ मैंने शोपीस रखे हुए हैं और यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है इंग्लिश आईवी प्लांट। ये क्रीपर है, ये बेल की तरह है, बहुत खूबसूरत प्लांट लगता है। इसकी भी हार्ट शेप की पत्तियां आती हैं और इसको मैंने एक छोटे टूटे हुए कप में लगा रखा है। इसको मैंने कप को मैंने स्काई ब्लू पेंट कर दिया था और साथ में मैंने रखे हुए यहाँ पर कुछ टी लाइट होल्डर्स और कैंडल। और ये मेरा एक और इंग्लिश आईवी प्लांट है जो मैंने अपनी बालकनी में रखा हुआ है। इसकी भी बेल की तरह है, ये नीचे की तरफ बेल आ रही है इसकी और बहुत सुंदर लगता है। इसको अगर आप थोड़ा सपोर्ट देंगे तो ये ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। और ये है मेरा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के एंट्रेंस पे मैंने रखा हुआ है स्नेक प्लांट। ये भी एक एयर प्यूरिफायर प्लांट है। स्नेक प्लांट काफी सारी वैरायटी के आते हैं। जो ये वाला प्लांट है ये बहुत लंबा हो जाता है, कम से कम 4-5 फुट तक चला जाता है। और उसी के साथ में रखा हुआ है छोटा प्लांट, ये काफी बुशी रहता है। तो जो मेरे पास में लंबा वाला प्लांट है ये 3 फुट तक का ही है और तो साथ में एक बुशी सा स्नेक प्लांट है। दोनों स्नेक प्लांट बहुत खूबसूरत लगते हैं और एयर प्यूरिफायर प्लांट है तो बेडरूम में बाथरूम में बिल्कुल बहुत ही मस्त है। और दूसरे बेड साइड टेबल पे मैंने रखा हुआ है एक सकलेन। सकलेन थोड़े से छोटे प्लांट्स होते हैं, मीन्स बेसिकली ये डेजर्ट प्लांट होते हैं और इनको धूप ज्यादा चाहिए होती है, पानी बहुत कम चाहिए होता है। और जो लोग इंडोर प्लांट्स के शौकीन होते हैं आपको उन सब के घरों में सकलेन जरूर मिलेगा। मेरा सकलेन बहुत ज्यादा सरवाइव नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर हमारी छोटी सी स्टडी टेबल है। स्टडी टेबल पे मैंने रखा हुआ है एग्लोनीमा प्लांट। इसकी रेड पिंक और ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं, बहुत सुंदर लगता है। बेसिकली इसको चाइनीज एवरग्रीन प्लांट कहा जाता है। इसको मैंने होम टाउन से लिया था, काफी कॉस्टली लिया था, लेकिन अगर आप इसको किसी लोकल शॉप से लेंगे तो बहुत सस्ता मिल जाएगा। और ये हमारा मास्टर बेडरूम का बाथरूम, और मास्टर बेडरूम के बाथरूम में लगाया हुआ है मैंने एक मनी प्लांट। इसको मैंने अपने मिरर पे ऐसी तरह से लगा रखा है कि ये ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा और पूरे मिरर को कवर कर लेगा। और यहाँ पर मैंने रखा हुआ है एक और स्नेक प्लांट, क्योंकि एयर प्योरीफायर होता है तो बाथरूम और बेडरूम में ये बहुत अच्छा होता है इसको रखना। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं आपको दिखाऊंगी अपने आउटडोर प्लांट्स भी, तो ये है मेरे आउटडोर प्लांट्स। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।